हम लोग अभी आए हैं सेक्टर 4 और अभी हम लोग हिचकी ठेला के जस्ट सामने में खड़े हुए हैं और आज हम लोग इसका शूट करने वाले हैं। तो बता दें कि हिचकी ठेला का लोकेशन जो है वो नियर बाई मदर केयर है या एक अच्छा लैंडमार्क है, आपको इजीली आप फाउंड आउट कर सकते हैं हिचकी ठेला को। और हम लोग आपको आज के शूट का दिखाने वाले हैं हिचकी ठेला के अंदर ले जा करके कि ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ के डिशेस कैसे कैसे हैं और यहाँ कैसे रिव्यूज़ मिलेंगे हमें, वो सब जानेंगे। हिचकी आ रहा है भाई, असल को पानी लेके आते हैं भाई को। हिचकी ठेला का नाम सुन के हिचकी आ गया है, तो चलिए इस पर इसका हिचकी दूर करते हैं, उसके बाद हम लोग हिचकी ठेला के अंदर जाएंगे और वो कभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे हिचकी ठेला के अंदर और आप एक क्लोज व्यू हम दिखाएंगे आपको यहाँ के इंटीरियर का। तो आप एक बार देखिए यहाँ के इंटीरियर कितनी खूबसूरत है। एक साइड में आपको ग्लासेस मिलेगी, एक साइड में आपको पेंटिंग, काफ़ी सारे पेंटिंग्स दिखाई देंगे, हैंडमेड पेंटिंग है। इंटीरियर यहाँ का काफ़ी शानदार है, जो भी देखने में लग रहा है। आप यहाँ टेबल और चेयर्स देख सकते हैं, वो भी एक यूनिक डिज़ाइन में है। बेसिकली से रिसाइकिल करके बनाया गया है जो कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं, जो यहाँ के जो मैनेजर है उनसे बात करते हैं अभी हम लोग। आपका नाम क्या हुआ सर? आलोक कुमार। सर ये हिचकी ठेला जो, ये कब ओपन हुआ है सर? 10 सितंबर को। 10th of September जी। और इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सर आप लोगों को? अभी तक रिस्पॉन्स बहुत बेटर रहा है, कस्टमर का बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, यहाँ का टेस्ट उनको बहुत बेटर लग रहा है। तो जैसे बेसिकली इसकी टाइमिंग क्या है ओपनिंग की और क्लोजिंग? सर 12 बजे दिन में ओपन हो जाता है और रात के 10:30 बजे तक ओपन रहता है। ओके, और क्या क्या डिशेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो इसकी कुछ फेमस डिशेज होंगी? जी सर, हमारे यहाँ मोमो अवेलेबल है, चाइनीज में अवेलेबल है, रोल्स अवेलेबल है, नूडल्स और राइस और तंदूर के आइटम भी अवेलेबल है। तंदूर के आइटम जी जी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सर ने कहा यहाँ पे चाइनीज़ अवेलेबल है, रोल्स अवेलेबल है, फ्राइड राइस, नूडल्स और तंदूर आइटम है। और यहाँ का सबसे फेमस डिश क्या है? यहाँ का अभी सर अफगानी मोमो सबसे फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे अफगानी मोमो वो यहाँ का फेमस डिश है, तो आप लोगों को फेमस डिश है उसे ज़रूर ट्राई करें। और इसका होम डिलीवरी? जी, होम डिलीवरी भी हम लोग कर देते हैं। 4 किलोमीटर के अंदर में हम लोग 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज के साथ होम डिलीवरी भी करते हैं। ओके, और जोमेटो और स्विगी? जोमेटो स्विगी में भी हमारा आउटलेट है, आप वहाँ से भी उनका ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ओके सर, जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये 4 किलोमीटर के रेडियस में ये इनका खुद का डिलीवरी है और ये 50 रुपीज़ का चार्ज करते हैं। उसके अलावा आप जोमेटो और स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर बैठे यहाँ के डिशेज़ का इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? इसका रांची में 2 ब्रांच है अभी। okay. एक लालपुर में है, पेंटुलम है मॉल उनके सामने, और एक काके में, काके रोड में, वहाँ पे 2 ब्रांच है और बोकारो का ये फर्स्ट ब्रांच। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि ये बोकारो का फर्स्ट हिचकी ठेला का ब्रांच है, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है और हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ के डिशेज को ट्राई करना चाहिए। अभी हमारे बीच एक फैमिली आए हुए हैं, तो सर मैडम से पूछते हैं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिश ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे सर आप बताइए यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट बहुत यूनिक है, बढ़िया लगा। स्मोकी फ्लेवर जो हमने चिकन तंदूरी का स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगा। अच्छा, चिकन लॉलीपॉप का, लहसुन का भी बहुत अच्छा, ग्रेवी का। इसका टेस्ट अदर रेस्टोरेंट से डिफर है या नहीं है? थोड़ा डिफर कह सकते हैं, कभी कभी भारी आते हैं। अच्छा, आप आउट ऑफ 10 रेटिंग कितना देना चाहेंगे इसका? 9। नॉट बैड, बहुत ही अच्छा रेटिंग है। और सर यहाँ पे आपने बस लॉलीपॉप ऑर्डर किया या कुछ और भी ऑर्डर? चिकन तंदूरी। उसका टेस्ट कैसा था? हमने 2-3 टाइप्स का डिशेस ऑर्डर किए थे और जैसा कि सर का रिव्यू है बहुत ही अच्छा है, 9 सर ने रेटिंग दिया आउट ऑफ 10। तो आप भी ज़रूर आएँ यहाँ पे हिचकी ठेला। देखो भाई हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है, लो। रेटिंग कितना देंगे आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 10। क्योंकि मैं इससे पहले जो ब्रांच है लालपुर में, ओके,
सकती हैं? वहाँ का मेरा रेगुलर कस्टमर हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट चिकन की आइटम लगती है। ओके, चिकन चिल्ली मोमोज, मोमोज लेकर चिकन चिल्ली, चिकन 65, ये तीन चार आइटम मुझे रेगुलरली मैं करता हूँ खाने के लिए, तो इस चीज़ के लिए मैं इसे सबसे बेस्ट मानता हूँ, ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिलता। ओके, पर आप भी ज़रूर आएँ और यहाँ का सारे डिशेज़ को आप टेस्ट कीजिए और बताइए रिव्यू में, कमेंट बॉक्स में कि यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। जो कोई भी आएंगे ना, तो मेरे ख्याल से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी निराश होकर नहीं जाएंगे टेस्ट के मामले में। ओके, तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी हिस्ट्री से बाहर आ चुके हैं। हम लोगों ने लॉलीपॉप ऑर्डर किया था, और क्या था, और हमने क्या ऑर्डर किया था, मंचूरियन ट्राई, मंचूरियन ऑर्डर किया था, जो वाकई ऑसम टेस्टिंग देना चाहेंगे इस रेस्टोरेंट का। हम लोगों को तो भाई, हम लोग तीन चार वैरायटीज़ यहाँ का टेस्ट किए, हम लोग को वाकई बहुत ही अच्छा लगा। जितना भी यहाँ पे स्टार्टर आइटम्स है, लाजवाब है भाई, हम तो 10 out of 10 देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आप भी आइए और यहाँ का फूड एंजॉय कीजिए, और बने रहिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, वेट करना है भाई ज़रूर।